चीज़ वैसे ना, जब बुरा लगता है जब वो लोगों ने हमको कुछ अगर कुछ गलत बात करते हैं तो तब हमको मन को दुखता है बस। हमारे पिताजी एक बार बोले थे कि देखो बेटा ये भावना उतार है और इसे हम अपने को देख के लोग हंसते हैं, आप अपने दिल को कभी बुरा मत समझो बोल के। In Hyderabad, Ram Raj lives with his large, unique family. For generations, numerous members of his family have been born with achondroplasia, a condition causing dwarfism. He currently lives with 11 members of his family, 9 of whom have the condition. ये प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, जो चलने फिरने और ज़्यादा चल नहीं सकते, ट्रैवलिंग नहीं कर सकते और बोलते तो घर के आसपास में लोग और बाहर निकल गए तो सब भीड़ जमा हो जाती है और बोलते तो लोग तरह तरह के बातें भी पूछते हैं, आप ऐसे बौने क्यों हैं, आप ऐसे क्यों हैं, आप कहाँ के हैं। Although they have accepted their condition, which in total has affected 18 out of the 21 members of their family, it has not been without its difficulties. बहुत जने चिढ़ाए हैं, बच्चों से लेके बड़े बूढ़े सब भी सताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब वो लोगों को हम लोग सुनते सुनते हमको भी हैबिट हो गया। And in addition to experiencing teasing, Ram Raj and his family struggle to walk properly, making it even harder for them to gain employment. नहीं, हमको कोई जॉब देने को तैयार नहीं पहले तो। Ram Raj, whose wife sadly passed away in 1993, earns what he can for his family, helping out at a relative shop and welcoming guests at weddings. और मैं जो काम करता हूँ, मैरिज वेलकम, मैं नमस्कार करता हूँ हिंदू फंक्शन में ऐसा, और मुस्लिम फंक्शन में सलाम करता हूँ, और ऐसा एक भाई ऐसा बैठे हुआ रहते हैं, एयर इंडिया स्टेचू जैसा रहते हैं ना। अब औरत बच्चों का, अब मर्द बच्चों का तो फिर भी ठीक है, लेकिन औरत बच्चों के लिए तो बिल्कुल बहुत ही बहुत तकलीफ है। मेरे दो बेटियाँ तारे, अब ये तुम्हारा कर्म है बोल के समझाए उनको, अब चल जब तक चलती चल चलाओ, बाद में ईश्वर है आपकी जैसा चाहे होने का होगा बोल के, अब वही हिम्मत देते रहते हैं। मैं फ्यूचर में अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ, पर जॉब मिले तो बनूंगी ना, मैं मेरी हाइट छोटी है बोल के नहीं मिली मुझे जॉब। But despite the hardships they face, the family continues to remain positive. तो दिक्कत की क्या बात, सभी फेस कर रहे, हमें भी फेस करना चाहिए, वो लोग हमें देख के खुश होते, गुस्से की क्या बात है उसमें। ऊपर वाले ने जब ऐसा फायदा ही किया तो हम लोगों को अब इंसान से तो कोई गिला शिकवा करना ही नहीं चाहिए, ये तो भगवान का वरदान है, इसमें सोचने का समझने का कुछ भी नहीं है।